वानरों के पराक्रमी राजा बाली और उनके भाई सुग्रीव के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा था। ऐसा युद्ध जिसमें किसी एक भाई की मृत्यु निश्चित थी। इसी युद्ध में प्रभु श्री राम ने पेड़ के पीछे से बाली पर तीर चलाकर बाली का वध किया। क्या भगवान श्री राम का यह प्रहार न्यायहित था? क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले श्री राम ने एक योद्धा के समान बाली का युद्ध भूमि में सामना न करते हुए उन पर छिपकर प्रहार करना उचित समझा? इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पौराणिक कथाओं की अद्भुत दुनिया में द यंग हर्मिट आपका स्वागत करता है। वानर राज बाली त्रेता युग के सबसे पराक्रमी और अजेय योद्धाओं में से एक थे। सुग्रीव उन्हीं के छोटे भाई थे और वे दोनों किष्किंधा का राज्य संभालते थे। बाली इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक बार लंकापति रावण को परास्त करके अपने बल का परचम लहराया था। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध में उनके समक्ष खड़े उनके प्रतिद्वंद्वी का आधा बल उन्हें प्राप्त हो जाएगा। अपने बल और पराक्रम के नशे में बाली इतना डूब गए कि उन्होंने एक छोटी सी गलतफहमी के चलते सुग्रीव का राज्य और उनकी पत्नी को छीन लिया और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। उसी समय प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में सीता जी की तलाश करते हुए किष्किंधा से गुजर रहे थे। जब श्री राम ने सुग्रीव के साथ हुए इस अधर्म को सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सुग्रीव को इंसाफ दिलाने का वचन दिया और कहा कि सुग्रीव बाली को युद्ध की चुनौती दे। भाई होने के कारण बाली और सुग्रीव का हुलिया और कदकाठी एक समान थी, इसीलिए श्री राम ने सुग्रीव को पुष्पों की माला पहनाई ताकि वो युद्ध भूमि में दूर से सुग्रीव को पहचान पाए। श्री राम का आशीर्वाद लेकर सुग्रीव बाली के समक्ष युद्ध भूमि में उतरे और दोनों में भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। बाली युद्ध में वरदान के कारण सुग्रीव पर हावी हो गए और कमजोर सुग्रीव पर जोर जोर से प्रहार करने लगे। इतने में श्री राम ने पेड़ के पीछे से बाली पर तीर चला दिया। तीर ने बाली की छाती चीर दी और वे गंभीर रूप से घायल होकर धरती पर गिर पड़े। धराशायी बाली ने भगवान राम से पूछा, धर्म हेतु अवतरे हो गुसाई, मारे हो मोहि ब्याद किनाई। अर्थात, हे राम, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, फिर मुझे शिकारी की तरह छुपकर क्यों मारा? बाली कहते हैं, श्री राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी दुश्मनी तो सुग्रीव से थी, ऐसे छुपकर मेरा वध करना क्या यही धर्म है आपका? मुझे मारकर अपने पुरखों की सभा में क्या आप निंदा के पात्र नहीं बनेंगे? इसके उत्तर में श्री राम बोलते हैं, अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, ई नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अर्थात, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है। श्री राम बोले, जो व्यक्ति स्वयं अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है उसे धर्म प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। वानरराज, तुम जिस धर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो उसका विचार तुम्हारे सपने में भी नहीं आया। धर्म का अर्थ है दया और सहानुभूति। एक धार्मिक समाज में राजा की यह जिम्मेदारी है कि वो कमजोरों की रक्षा करे और जो बलशाली हैं वो कमजोरों को ऊपर उठने का मौका दे ताकि संपूर्ण समाज एकजुट होकर उन्नति और समृद्धि की ओर बढ़ सके, ना कि एक जंगल की भांति जहां ताकतवर जानवर कमजोरों का भक्षण करके राज करते हैं। हे बाली, तुम सत्ता और अहंकार की धुन से अंधे होकर धर्म के मार्ग से भटक गए थे। एक पशु के भांति व्यवहार करते हुए तुमने अपने छोटे भाई को बिना किसी दोष के निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी रूमा को, जो सनातन धर्म के अनुसार तुम्हारी बहू समान है, अपने अधीन रख कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। प्रभु श्री राम पराक्रमी बाली का अंत उसी प्रकार करना चाहते थे जिस प्रकार एक शिकारी अपने शिकार को मार गिराता है। इसीलिए उन्होंने पेड़ के पीछे से बाली की छाती पर तीर चलाया। भगवान श्री राम की बात सुनकर बाली को अपने पापों का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा मांगी और कहा,
हे नरश्रेष्ठ, आपने जो कहा है वो सर्वतः उचित है। सत्ता और बल के अहंकार ने मुझे धर्म की राह से भटका दिया था, किंतु आपने मेरी आंखें खोल दी हैं और मैं अपने अंतिम समय में आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु श्री राम ने न केवल बाली को क्षमादान दिया बल्कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी करवाई। बाली के प्रार्थना करने पर श्री राम ने उन्हें अपने विश्व रूप के दर्शन भी करवाए। बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। धर्म निस्वार्थता और दया में बसा है। प्रभु श्री राम की इसी सीख का अनुसरण करते हुए सुग्रीव ने अपने पुत्र की बजाय बाली के पुत्र अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपने इस जीवन प्रसंग के द्वारा हमें धर्म परायणता की एक और सीख दी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।